तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है जी आईजी वसीम चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स जी डी 10 प्रो वर्सेस मी 20 5G वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 35G के बीच में फ्री फायर मैक्स का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। जी डी 10 प्रो गाइस यहां पे हमारे पास 8GB रैम 256GB में अवेलेबल है एंड काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन्फिनिक्स नोट 30 भी हमारे पास 8GB रैम 256GB में अवेलेबल है एंड इसमें कुछ डिसेंट सा प्रोसेसर देखने को मिलता है, उसका भी डिटेल में टेस्ट करेंगे। भाई गाइस यहां पे मी 20 हमारे पास 8GB रैम 128GB में देखने को मिल जाता है एंड इसमें भी काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एंड गाइस इस फोन को हमने सिर्फ 13,000 में बाय किया था, अमेजन पे सेल आया था, SBI के कार्ड के डिस्काउंट पे बहुत ही मस्त डील मिला हमें। सो दोस्त देखते रहिए वीडियो को एंड तक, एंड वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्त सबसे पहले टेम्परेचर मेजर कर लें तो GT 10 Pro देख सकते हैं 32 पे है एंड नोट 35GB देख सकते हैं सेम ही है एंड Xiaomi 10T देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिल जाता है। सबसे पहले गाइस यहां पे GT 10 Pro में प्ले करेंगे एंड गाइस यहां पे सेटिंग में आपको दिखा दूं तो गाइस यहां पे देख सकते हैं सारे सेटिंग्स उन्होंने फुल्ली मैक्स पे कर दिया। बाकी टाइम देख सकते हैं 4:23 हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज फिलहाल 56 पे है, तो देखेंगे इस आफ्टर प्ले ये कितना बैटरी ड्रेन करता है। सो गाइस इस फोन में आपको काफी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि डायमेंसिटी 8050 के नाम से जाना जाता है। एंड गाइस इस प्रोसेसर को आप स्नैपड्रैगन 870 की अप्रॉक्स पावरफुल मान सकते हैं। एंड गाइस यहां पे हमारे पास ये 8GB 256GB में अवेलेबल है, 120Hz का रिफ्रेश रेट, AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 5000mAh की बैटरी एंड 45W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो गाइस यहाँ पे ये फ़ोन काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर के साथ में आता है बट अनफॉर्चुनेटली इन्फिनिक्स ने इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है, जिसके वजह से गाइस यहाँ पे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर नहीं हो पाएगा। अगर आप 10-15 मिनट गेमिंग करेंगे उस टाइम पे गाइस काफ़ी सही परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे ही 10 से 15 मिनट होता है उसके बाद से भाई ये फ़ोन थोड़ा वार्म होता है। हीटिंग इशू इसमें बिल्कुल नहीं है, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा टेम्परेचर भी, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा वार्म होता है उसके बाद से जिटर करने लगता है। अगर आप मैं भी फ़ैन पे बैठकर यूज़ करेंगे, मतलब फ़ैन यूज़ हो रहा है, फ़ैन चल रहा है उस जगह पे आप बैठकर आप प्ले करेंगे तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देर तक भी मतलब प्ले कर सकेंगे। बट ऐसे अगर नॉर्मली चाहे अनदर फ़ोन जैसे जैसे कि ये हो गया मी 20 या इन्फिनिक्स नोट 30, इनके जैसा बिना फ़ैन में भी अगर देर तक यूज़ कीजिएगा तो इनमें तो प्ले कर सकते हैं, बट इस फ़ोन में वैसा परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा, तो इस फ़ोन की यही दिक्कत है। बाकी गाइस यहाँ पे देखिए गेम प्ले एंड तक, फिर आपको दिखाएंगे कि बैटरी कितना ड्रेन हुआ और साथ ही गाइस हीटिंग कैसा रहता है। सो दोस्त देखिए वीडियो को एंड तक। Head there. तो गाइस यहाँ पे गेम प्ले हमारा हो चुका है कंप्लीट एंड टेम्परेचर देख सकते हैं आप, ये टच कर गया है 44.2 एंड गाइस यहाँ पे ये देख याद रखिएगा ये 44 गया है। बाकी गाइस टाइम देख सकते हैं 4:38 हो गया है। सो गाइस यहाँ पे 15 मिनट में ये 6% डिक्रीज़ किया है, तो बैटरी बैकअप से मुझे रिलेटेड कोई ज़्यादा मेजर दिक्कत नहीं लगी, ओवरऑल मुझे बैटरी बैकअप इसका सही लगा।
अब दोस्त यहाँ पे हम प्ले करते हैं मी 25G में, एंड गाइस इसके सेटिंग में आपको ले चलें। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सारे सेटिंग्स यहाँ पे भी फुल्ली मैक्स पे हम कर दिए। भाई गाइस यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 4:42 हो रहा है, एंड टाइम देख सकते हैं 63 पे है। तो देखेंगे इस आफ्टर प्ले कितना ड्रेन करता है। सो गाइस इस फोन के स्पेक्स की बात किया जाए तो यहाँ पे 8GB 128GB वाला वेरियंट है हमारे पास, 144Hz का LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। भाई गाइस इसमें प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन का 865 देखने को मिलता है। एक चीज़ गाइस यहाँ पे इन्फिनिक्स GT10 प्रो में आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलता है, और गाइस मी 20 में भी डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, लेकिन गाइस कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मी 20 का स्पीकर बहुत ही ऑसम है भाई, बहुत ही लाउड है, एंड मतलब फ्री फायर में भी काफ़ी मस्त हैप्टिक टाइप में फील होता है जब भी गन यूज़ करते हैं। तो इसमें बहुत ही अलग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है, एंड कमाल का एक्सपीरियंस लगता है मी 20 में भाई। तो यहाँ पे क्लियरली स्पीकर के भी मामले में मी 20 बेटर हो जाता है। ओके गाइस यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सो गाइस इसमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 865, ये बहुत ही स्टेबल प्रोसेसर है। ये तो मी 20 नया मैंने बाई किया, लेकिन गाइस मैंने 2 साल पहले ही मी 20 को बाई किया था, ऑलमोस्ट 2.5 साल अब हो चुके हैं, और उस वो भी मतलब 6GB वाला वो वेरियंट है मेरे पास, और वो अभी भी मैं यूज़ करता हूँ, उसी फ़ोन में एडिट भी कर रहा हूँ ये वीडियो बेसिकली। सो गाइस मतलब 2 साल होने के बाद भी अगर आप गेमिंग करेंगे ना इस फ़ोन में, तो आपको बिल्कुल जिटर देखने को नहीं मिलेगा। लंबे समय तक घंटे 2 घंटे तक ईजिली आप गेमिंग कर सकते हैं। हाँ बैटरी ड्रेन का आप देखेंगे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 2 साल मतलब 2.5 साल फ़ोन यूज़ कीजिएगा तो चार्जिंग करने की वजह से बार बार बैटरी हेल्थ कम हो जाता है, तो बैटरी रिप्लेस करा लेने के बाद फिर से वो सही हो जाएगा। तो क्लियरली भाई कह सकता हूँ कि ये फ़ोन बहुत ही कमाल का गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, और 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरा एक्सपीरियंस भी इसमें मतलब बहुत ही सही रहा है, इसलिए मैं ये बातें भी बोल पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हार्ड कोर गेमिंग है, तो अभी भी मैं कह सकता हूँ कि मी 25G बाई कर सकते हैं। अगर आपको सेल में ऐसे 15,000 का प्रोक्स भी मिले तो ऑफ कोर्स बाय कर सकते हैं भाई, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यह है कि ये फ़ोन जियो 5G सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ एयरटेल 5G सपोर्ट करता है, और यहाँ पे अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी इस डेट वगैरह का कोई इशू नहीं है इसमें, एंड काफ़ी मस्त गेमिंग प्रोवाइड कर देता है। सो गाइस देखिए थोड़ा सा गेम प्ले, फिर आपसे दिखाते हैं बैटरी ड्रेन एंड हीटिंग। सो गाइस फाइनली गेम प्ले हो चुका है कंप्लीट, एंड टेम्परेचर देख सकते हैं 39.9 टच किया, इधर से देख सकते हैं मैक्सिमम ये 40 गया है, जबकि GT10 प्रो कितना गया था 44 भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली भाई गाइस यहाँ पे बहुत ही मस्त परफॉर्मेंस दे दिया। टाइम देख सकते हैं आप 16 मिनट में ये 5% डिक्रीज किया है, तो बैटरी बैकअप ये भी कमाल का प्रोवाइड करता है, और नया है तो मस्त ही प्रोवाइड करेगा। अब दोस्त यहाँ पे हम प्ले करते हैं इन्फिनिक्स नोट 35G में, एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सारे सेटिंग्स को फुल्ली मैक्स हमने कर दिया। भाई गाइस यहाँ पे टाइमिंग की बात कर ली जाए तो 5:03 हो रहा है, एंड बैटरी परसेंटेज 73 पे है। तो देखेंगे आफ्टर प्ले ये कितना ड्रेन करता है। अब गाइस इस फोन के स्पेक्स की बात कर तो ये भी हमारे पास 8GB रैम 256GB में अवेलेबल है। यहाँ पे गाइस 120Hz का रिफ्रेश रेट LTPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एंड गाइस यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है डायमेंसिटी का 6080 प्रोसेसर। इसको आप अप्रॉक्स डायमेंसिटी 810 से कंपेयर कर सकते हैं, स्नैपड्रैगन के 695 का अप्रॉक्स मान सकते हैं, एंड 695 से मैं कहूँगा कि बेटर एक्सपीरियंस ये आपको प्रोवाइड करेगा, बट डिपेंड करता है भाई ऑप्टिमाइज में कौन सा ब्रांड कैसे ऑप्टिमाइज करता है। अब गाइस इसके परफॉर्मेंस की बात करें, वैसे कि इसमें भी आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलता है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा हाइप भी मचा था कि जो JBL है उससे ये ट्यून किया गया है JBL के थ्रू, जिसके वजह से यहाँ पे डुअल स्पीकर आपको कमाल का मिलेगा। बट क्लियरली मैं कहूँगा कि इन दोनों फ़ोन से बहुत ही पीछे है ये डुअल स्पीकर के मामले में। इन्फिनिक्स को डुअल स्पीकर के मामले में स्पेशली काम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।
भाई मैंने बहुत सालों से देख रहा है, मतलब इन्फिनिक्स हॉट 11 आज था, उस टाइम पे भी डुअल स्पीकर दिए थे उसमें, बट भाई वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं था। तो ये डुअल स्पीकर तो देते हैं मतलब, लेकिन लाउड नहीं होता है, तो कोई मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा है भी इसका, इनको काम करने की ज़रूरत है बेसिकली। बाकी इस यहाँ पे अब परफॉर्मेंस की बात कर लिया जाए तो ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, एंड गाइस क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि इन्फिनिक्स जी टी 10 प्रो से ये अच्छा ऑप्टिमाइज्ड है, एंड यहाँ पे आप लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हैं। वैसे कि BGMI तो 40 FPS सपोर्ट करता है, बट फ्री फायर तो आपको पता है कि सारे फोन 60 FPS सपोर्ट करते हैं, तो एक्चुअली में 60 FPS तो ये प्रोवाइड नहीं करता है। 60 FPS सिर्फ और सिर्फ इन तीनों फोन्स में हमारा Xiaomi 10T प्रोवाइड करता है। जब तक गाइस GT 10 Pro अच्छा चलता है मतलब 10 मिनट के अंदर, तब तक भाई वो भी 50 FPS का अप्रॉक्स प्रोवाइड करता है, 60 FPS वो भी नहीं प्रोवाइड करता है। लेकिन गाइस यहाँ पे बात कर लिया जाए इन्फिनिक्स नोट 35G को, तो ये 40 के ऊपर प्रोवाइड करता है, एंड गाइस स्टेबल है, मतलब कि फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलता है। GT 10 Pro तो भाई लैग करने लगता है थोड़ी देर बाद, बट इसमें वो इशू नहीं है, आप थोड़ा लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हैं। वैसे गाइस इसका भी बैटरी रन हमने कर दिया है, नोट 35G का भी एंड GT 10 Pro का भी कर दिया है, एंड Poco M6 Pro का भी कर दिया है, तो वो वीडियो भी आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। सो गाइस यहाँ पे क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि GT 10 Pro से बेटर ऑप्टिमाइज है इन्फिनिक्स नोट 35G, यहाँ पे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर देखने को मिल जाएगा। भाई गाइस यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हैं, इसमें 41.7 गया है, 41.7 ही इसमें मैक्स गया है, तो क्लियरली भाई मैं प्रूफ ये दिखा रहा हूँ ना, GT 10 Pro ज़्यादा टेम्परेचर गेन करता है। बाकी गाइस ये 25 मिनट में 9% डिक्रीज किया, तो यहाँ पे भी गाइस कोई बैटरी रन का इशू देखने को नहीं मिलता है, अच्छी बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। सो गाइस क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि GT 10 Pro सबसे लास्ट पोजीशन पे जाएगा यहाँ पे मेरे ओपिनियन में, क्योंकि भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस उतना सही नहीं है। बाकी सेकेंड पोजीशन पे आएगा हमारा इन्फिनिक्स नोट 35G, जो कि स्टेबल है परफॉर्मेंस के मामले में, एंड सबसे नंबर वन पे तो भाई हमारा Mi 10T बहुत ही कमाल का गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, चाहे स्पीकर से रिलेटेड हो गया एंड स्मूथनेस FPS बहुत ही स्टेबल है। सो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।